दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में। और मेरे पास है यहाँ पर IQ Z3 5G। दोस्तों यहाँ पर लॉन्च हो चुका है इंडिया में ये स्मार्टफोन, और इसका जो दोस्तों प्राइस है वो है 20,000 रुपये के आसपास। और जो दोस्तों इसमें रियर कैमरा है वो आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है सैमसंग वाला, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, बाकी 2 मेगापिक्सल का दोस्तों मैक्रो है। आप इसमें 4K वीडियो 60 FPS पर मैक्स यहाँ पर शूट कर सकते हो। 16 मेगापिक्सल की दोस्तों आपको यहाँ पर सेल्फी देखने को मिल जाती है। दोस्तों यार सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम लोग यहाँ पर खाली व्यूज़ देते हैं और सब्सक्राइब चैनल को करते नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल शॉट की। अगर आप डे लाइट में यहाँ पर शॉट्स लेते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कंडीशन है फ़ोटो की, वो मुझे दोस्तों काफ़ी सही लगी है, क्योंकि मुझे पता है कैसा कलर था इस टाइम। और दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लेते हैं तो उस पर फोकस है वो काफ़ी अच्छे से ये फ़ोन दोस्तों रखता है। तो इसमें दोस्तों आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप फोकस वाइज इसे लेना चाहते हैं। बाकी बात करें डायनामिक रेंज की, और वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, थोड़ा सा सैचुरेशन का पंगा मैं आपको कहूँगा, यहाँ पर हल्की सी ज़्यादा सैचुरेशन आपको देखने को मिल जाती है थोड़ा। मतलब आप देखिए यहाँ पर जो कलर्स है वो आपको हल्के से पंची से देखने को मिलते हैं, कई लोगों को दोस्तों अच्छे लगते हैं। मुझे भी दोस्तों पंची कलर उतने ज़्यादा बेकार नहीं लगते हैं, मतलब ठीक ठाक से मुझे यहाँ पर लगते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी फ़ोटो लेते हैं तो उसमें आपको सैचुरेशन लेवल हल्का सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी अगर दोस्तों बात करें ह्यूमन शॉट की, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये फ़ोन ले लेता है। सब कुछ दोस्तों आप लोगों के सामने है, आप यहाँ पर खुद जज कर सकते हैं कि किस लेवल की परफॉर्मेंस ये फ़ोन यहाँ पर आपको दे रहा है। बात करें दोस्तों यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो मुझे पोर्ट्रेट शॉट इस फ़ोन के सबसे ज़्यादा सही लगे हैं। जो इसकी एच डी डिटेक्शन है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा सही है, आप यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियोस भी शूट कर सकते हैं, उसका मैं सैंपल आपको थोड़ी देर में ही दिखा दूंगा। बाकी दोस्तों अगर बात करें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी ग्रीन ग्रीन ग्रास उगी हुई है, और बाकी सूखी ग्रास भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कलर डिस्टिंग्विश करने में इस फ़ोन को कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, मुझे दोस्तों सब कुछ सही लगा। दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर 1080p 30 FPS पर, और इसमें आप मैक्स 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी सारी ऑप्शन आपको देखने को मिलती है स्लो मोशन वगैरह। तो दोस्तों जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, और इसमें आपको सुपर EIS का एक मोड मिलता है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वीडियोज़ निकाल सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ पर बोके वीडियोज़ की, तो वो भी मुझे काफ़ी शानदार फीचर लगा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर फ़ोन की मूवमेंट करते हो या फिर आप अपने ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करते हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट को आप सेंटर में रखते हैं तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा फोकस आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसमें दोस्तों मुझे कोई भी कमी दिखाई नहीं दी है। बाकी दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर फ्रंट सेल्फी की, तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, यहाँ पर आप मैक्स फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने रिकॉर्ड किया फुल HD पे 30 FPS पे, तो मुझे दोस्तों क्वालिटी काफ़ी सही लगी है। आप देख सकते हैं थोड़ा लाइटिंग कंडीशन थोड़ी कमज़ोर है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन फिर भी कैमरा काफ़ी अच्छा वर्क यहाँ पर कर रहा है। बाकी स्टेबिलिटी काफ़ी सही लगी मुझे फ्रंट कैमरे की। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर नाइट फोटो वीडियोग्राफी की इस फ़ोन के बैक कैमरे से, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन ख़राब है, लेकिन फिर भी दोस्तों फ़ोन में ज़्यादा नॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पर मैं फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं ईजिली कि कैसा आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर नाइट मोड की इस फ़ोन से, तो मुझे ज़्यादा पसंद दोस्तों नहीं आया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें तो डेफ़िनेटली यूज़ करने लायक है, लेकिन नॉइज़ भी दोस्तों आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। तो इसमें दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पर विचार कर सकते हैं, उतना बुरा नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी। बात करें यहाँ पर नॉर्मल AI शॉट्स की, तो उसमें मैंने जैसे आपको सबसे पहले बताया कि ये फ़ोन शुरू से ही दोस्तों जो डिटेल्स है वो तो आपको काफ़ी ठीक दे देगा, लेकिन थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल हल्का सा यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा है, थोड़े पंची कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों 64 मेगापिक्सल पे क्लिक की गई है फ़ोटो, और इसको अगर मैं आपको मैक्सिमम जूम करके दिखाऊं कि कितना हो सकता है, तो आपको दोस्तों मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये दोस्तों अभी फर्स्ट यहाँ पर मैंने जूम किया है, और आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पर क्वालिटी का लॉस नहीं हुआ है, मतलब जो सेंसर है दोस्तों काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसमें सैमसंग का सेंसर है। उसके बाद जब मैक्स जूम आप कर लेते हैं फ़ोटोज़ को, तो आप देखते हैं कि जो क्वालिटी है वो तो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जो कलर्स वगैरह है उसमें आपको कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब IQ ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। सैमसंग का दोस्तों इसमें GW3 वाला सेंसर प्रोवाइड किया गया है।
इसमें दोस्तों इस पिक्चर में आपको दूर सा एक घर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ। बाकी दोस्तों अगर इसको मैं जूम करूँगा मैक्सिमम तो आप यहाँ पर हैरान हो जाएंगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी ये फ़ोन आपको दे देगा 64 मेगापिक्सल में जब आप इस फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी सही लगा इसका 64 मेगापिक्सल वाला यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है बाकी फ़ोन्स के मुकाबले, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है। बाकी बात करें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा की, तो उसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वाइड फोटोज आप ले सकते हो और हल्का सा दोस्तों आपको कलर शिफ्ट देखने को मिलेगा। वैसे इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये नाइट में फ़ोटो ली है तो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर कलर शिफ्ट हो चुका है, बाकी दिन में इतना दोस्तों होता नहीं है। बाकी बात करें यहाँ पर मैक्रो शॉट की, तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है, तो दोस्तों उतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मैक्रो से, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर शौकीन हो मैक्रो फोटोज लेने के लिए तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। बाकी बात करें यहाँ पर फ्रंट कैमरा की, जो 16 मेगापिक्सल का है, उसमें आप काफ़ी अच्छे बोके इफ़ेक्ट वाली फ़ोटोज़ ले सकते हो क्योंकि जो इसकी डिटेक्शन है दोस्तों काफ़ी सही है। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों इसमें फ्रंट में भी आप यहाँ पर वीडियोग्राफी कर सकते हो बोके वाली। बाकी बात करें नॉर्मल शॉट की सेल्फी की, तो उसमें भी दोस्तों हल्का सा आपको सैचुरेशन लेवल ज़्यादा दिखाई देगा। बाकी पूरा टेस्ट इसका दोस्तों करेंगे हम आने वाले कुछ टाइम में, तब के लिए दोस्तों चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें दोस्तों लाइक और हो सके तो आप अपने दोस्तों को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं।